एवरग्रीन मसाला चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं किरण और आज मैं आप लोग के सामने बताने जा रही हूं हाइड्रोजन परऑक्साइड के बहुत सारे फायदे। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है हर चीज में इस्तेमाल होता है, खास तौर पे जहां पे जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उस चीज को किल करने के लिए, मारने के लिए अक्सर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। टूथपेस्ट में होता है, घर के खाने पीने के चीजों में, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। उसी का आज मैं आपको फायदा बताने जा रही हूँ। ये मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है दोस्तों। किसी भी आप मेडिकल स्टोर में जाके बोलोगे मुझे हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन देंगे। और इसकी जहां तक प्राइस की बात है तो बहुत ही सस्ती मिलती है। ये 100 ml का बॉटल है, आप देख सकते हैं, और इसको मैंने लिया है 25 रुपये में। आप देख सकते हैं यहाँ पे MRP है। तो आप ये कहीं से भी आप मेडिकल स्टोर से इसको ले सकते हो और आप अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। तो सबसे पहले फायदे नंबर पे जो मैं आपको काउंट करा रही हूँ वो है आपको दांतों को साफ करने में। अगर आपके दांत बहुत ज्यादा पीले हैं, बहुत ही दांतों से आपकी बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है, जर्म से बदबू आती है, तो आप हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर अपने घर पे रखते हो तो इसका इस्तेमाल करके अपने दांतों को सफेद मोती जैसे सफेद बना सकते हो। आपके न दांतों से बदबू आएगी और ना ही आपके दांत पीले लगेंगे। तो इसको करना कैसे है, तो ल्यूक वार्म वाटर लेना है आपको। जितना क्वांटिटी में आपने ल्यूक वार्म वाटर लिया है सेम क्वांटिटी में आपको ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है। जैसे कि अगर आपने 2 चम्मच आपने ल्यूक वार्म वाटर लिया है तो 2 चम्मच हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन लेना है और दोनों को मिला करके आपको गलगला करना है, कुल्ली जिसको बोलते हैं, मुंह में लेकर के कुल्ली करना है। और फिर थोड़ी देर कुल्ली करने के बाद फिर से आपको ठंडे पानी से उसे अच्छे से गलगला करके बाहर निकाल देना है। और ध्यान रखें दोस्तों कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन को निगलना नहीं है, पेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें बहुत तरह का कॉन्सेंट्रेटिव होता है, ये बहुत कम हाइड्रोजन सॉल्यूशन वाला भी होता है जो कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, और एक होता है जो बहुत ही ज्यादा होता है जो आपको नुकसान पहुंचा देता है। तो इन दोनों में आपको फर्क होना चाहिए। और जब भी आप गलगला कर रहे हो तो इसको बिल्कुल भी निगलना नहीं है, स्वेलो नहीं करना है, और आपको करने के बाद तुरंत ही ठंडे पानी से धो लेना है। और आपको डेली आपको 2 बार ये काम करना ही करना है, जिससे आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। और एक बात का और ध्यान रखिये कि तुरंत करने के बाद ही इसे हमें धो लेना है। और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है दांतों में, सेंसिटिव है आपका गम्स वगैरह, तो आप बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें, ये आपको मैं बता रही हूँ। दूसरे नंबर पे है, अगर आपके नेल्स पीले हैं, आपके नेल्स में सफेदी नहीं है, व्हाइटिंग नहीं है, तो आप इस हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके अपने नेल्स को सफेद बना सकते हैं। इसको करना क्या है कि अगर आप नेल्स को सफेद बनाना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार करें, ठंडा पानी लेना है। अगर आप 1 कप ठंडा पानी ले रहे हैं तो 1/4 कप आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है। यानी 1 कप अगर आपका पानी रहेगा तो 1/4 कप आपको इसका सॉल्यूशन ऐड करके नाखून को उसमें डुबा करके रखना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट नाखून को डुबा लेने के बाद फिर से उसे अच्छे से ठंडे पानी से धो लीजिए और फिर किसी तरह का आपको जो जैसे कि क्रीम मॉइस्चराइजर होता है वहां पे लगा लीजिए या फिर ऑयल लगा लीजिए। और आपके ये लगभग आपको वीक में 1 से 2 बार करना ही करना है, और जब तक आपको फर्क नजर नहीं आए आपको कंटिन्यू उसको करना ही करना है। तो इस तरह से आपके नेल्स जो है बहुत ही ज्यादा सफेद दिखेंगे और खूबसूरत भी दिखेंगे। उसका तीसरे नंबर पे है कि अक्सर जैसे पैर वगैरह में खुजली हो जाता है, दांत खाज हो जाता है, जर्म्स हो जाता है, बहुत ज्यादा जो इन्फेक्टेड एरिया होता है जैसे घाव वगैरह हो जाता है, तो आपको करना क्या है उसको भी आप हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन से ठीक कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि सेम इक्वल क्वांटिटी लेना है हाइड्रोजन परऑक्साइड और पानी का, और जहां पे भी आपका इन्फेक्टेड एरिया है जैसे पैर वगैरह में कहीं चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, उसको हमें वहां पे वॉश कर लेना है अच्छे से। और आपको ये लगभग 2 से 3 बार करना है जब तक कि आपके स्किन में प्रॉब्लम है। आपको डेली आपको 2 से 3 बार उससे धो लेना है, यानी ठंडे पानी और इसका सॉल्यूशन मिलाना है जहां पे भी आपको खुजली है या फिर दांत खाज है या फिर किसी तरह का घाव हो गया है, तो इसको मिला करके आपको उसको डेली 2 बार धोना है। और जब तक आपको ये ठीक ना हो जाए तब तक आपको इस सॉल्यूशन से वो करना है, तो आपके जो जहां पे भी चोट लगी है वो आपको बहुत ही जल्दी ठीक कर देगा, किसी तरह का उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी तरह का जर्म्स का इन्फेक्शन नहीं होगा, और बहुत ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और इसको धो लेने के बाद उसमें आप चाहे तो क्रीम लगा सकते हैं, और किसी तरह का आपके पास कोई दवाई है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा।
उसका चौथे नंबर पे मैं बता रही हूँ, अगर आपके फेस पे पिंपल्स है, एक्ने है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उसके जो पिंपल्स वगैरह है बहुत ही जल्दी ठीक नहीं होते हैं, तो आप हाइड्रोजन परोक्साइड का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके भी आप अपने पिंपल्स और एक्ने को बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव होता है ये आपके पिंपल्स में, आपके स्किन को वाइटनिंग करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे हमारे टीथ वाइटनिंग होते हैं, सेम उसी तरह से आप इस तरह से अपने फेस की भी स्किन को सही कर सकते हैं। तो इसमें सेम प्रोसेस करना है आपको, जितना आपने पानी लेना है सेम उतना ही आपको इसका हाइड्रोजन परोक्साइड का सॉल्यूशन मिला करके, और जहां पे भी इन्फेक्टेड, आपको जहां पे भी पिंपल्स है, जहां पे भी वो है, आपको कॉटन की सहायता से कॉटन को डिप करना है सॉल्यूशन में, और जहां पे भी आपको इन्फेक्टेड एरिया है वहां पे आपको 2 से 3 मिनट तक उसे दबा करके रखना है कॉटन को। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद ही आप उसको देख सकते हो कि आपके जो पिंपल्स में बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी, और किसी तरह का जो जर्म्स इफेक्टिव होता है या बैक्टीरिया इफेक्टिव होगा वो कम हो जाएगा, और फिर आपको नॉर्मली पानी से धो लेना है। बहुत सारे लोगों को ऑयल ऑयल जो होता है, फेस ऑयली होता है, उसकी वजह से भी उनको फेस में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस तरह से सॉल्यूशन से लगा करके, पानी और हाइड्रोजन परोक्साइड का सॉल्यूशन लगा करके उसको वॉश कर लो अच्छे से, और फिर कोई भी ऑयल फ्री जो क्रीम होता है उसको अप्लाई करें, तो आपके जो पिंपल्स है, मार्क्स है, बहुत ही जल्दी हट जाएंगे, और आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग करेगी, व्हाइटिंग भी लगेगी, सफेद भी लगेगा। तो ये हमारा बहुत ही अचूक उपाय है हाइड्रोजन परोक्साइड का। उसका दोस्तों हमारा अगला उपाय है, अक्सर लोगों के कानों में आपने सुना होगा प्रॉब्लम की उसके कान में जो वैक्स होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, और अब वो किसी तरह का कोई भी उपाय करते हैं वो वैक्स उसके कान से निकल नहीं पाता है, और उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जिसकी वजह से उसके बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अचूक उपाय है, अगर आप इस उपाय को आप करोगे तो आपके जो कान से वैक्स है बहुत ही इजिली निकल जाएगा। आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन लेना है हाइड्रोजन परोक्साइड का, और पानी का सेम क्वांटिटी ऐड करना है उसमें, और फिर आपको जिस कान में भी प्रॉब्लम है उसमें उसको डाल देना है। थोड़ी देर रहने दीजिए, लगभग 1 से 2 मिनट तक उसमें, और फिर थोड़ी देर के बाद उसको कान को उल्टा साइड घुमा करके, और फिर उसके बाद वैक्स वो पानी निकाल लीजिए, और जो भी वैक्स अंदर होगा बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होके वो बाहर अपने आप फेंक देगा, और फिर उसको आप किसी भी कॉटन वॉटन से कपड़े से साफ कर दीजिए, और बहुत ही जल्दी वो आपका वैक्स निकल आएगा। बहुत ही सिंपल है और आसान तरीका है दोस्तों, अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो सकती है। उसके बाद हमारा अगला सोल्यूशन ये है, प्रॉब्लम ये है कि सब्जियों, अगर आप सब्जी फल वगैरह मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, जो कि अक्सर हमें नहीं पता होता है और हम ऐसे ही उसको बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्म्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं जो धोने के बाद भी सब्जी या फलों से बिल्कुल भी जाते नहीं है। तो मैं आपको ये सॉल्यूशन बता रही हूँ, आपको इसको करना है। अगर आप इस सॉल्यूशन को करोगे तो आपके जर्म्स और सॉरी आपके जो फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स है बहुत जल्दी जर्म्स फ्री, पेस्टिसाइड फ्री हो जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि ये हाइड्रोजन परोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है, और उसका जितना हमने हाइड्रोजन परोक्साइड का सॉल्यूशन लिया है उतना आपको पानी ऐड करना है, और उसके बाद उसका आधा क्वांटिटी, यानी कि आधा, अगर आपने 1 कप पानी लिया है तो 1 कप आपको हाइड्रोजन परोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है, और आधा कप उसमें हमें बेकिंग सोडा मिला देना है। बेकिंग सोडा भी दोस्तों मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, वो मिला देना है, और उस सबको मिक्स करके एक जो जार होता है, जो स्प्रे बॉटल आती है, उसमें आपको डाल देना है, और जब भी आपको यूज पड़े मार्केट से फल फ्रूट्स लेके आए उस पर स्प्रे करके 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए, और फिर उसको ठंडे पानी से धो लीजिए। बहुत ही इजी है और आसान है, और इस तरह से आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को जर्म्स फ्री खाना खिला सकते हैं, फल खिला सकते हैं, सब्जियां खिला सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और आसान उपाय है दोस्तों, अगर आप ये उपाय अपने घर में करोगे तो आपके जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। हाइड्रोजन परोक्साइड बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है और बहुत ही सस्ते में मिलता है, तो आप भी अपने घर में हाइड्रोजन परोक्साइड का सॉल्यूशन रखें, और मैंने जो जो आपने उपाय बताया है इसका, वो सारे सॉल्यूशन को आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं जब भी आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का मेरा ये हाइड्रोजन परोक्साइड का जो वीडियो मैंने बनाया है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन सारे हाइड्रोजन परोक्साइड के बारे में पता चले और वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव को जरूर शेयर करिए दोस्तों। तो मिलती हूँ एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ, एक ऐसी रेसिपीज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एवरग्रीन मसाला चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है।